नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवराज और आज हम बात करेंगे क्या किसी मेडिसिन से सचमुच हाइट बढ़ सकती है, और अगर हाँ तो कौन सी मेडिसिन है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो कैसे हाइट के ऊपर काम करते हैं, आखिरकार वो क्या रीजन है जिससे हमारी हाइट कम होती है, और इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, इसके अलावा सबसे पहले हम बात करते हैं आखिरकार वो क्या रीजन है जो हमारी हाइट या बॉडी ग्रोथ में इफेक्ट डालते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सामान्यतः लोगों में ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन और स्राव कम होना या बंद हो जाने से हाइट कम होती है। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन में होती है उसके माध्यम से होता है। ये 16 से 21 साल की आयु तक सबसे ज़्यादा होता है और ये हाइट कम होने की सबसे मेन वजह है या मेन रीजन है। इसके अलावा जेनेटिक या आनुवंशिकता भी इसका एक कारण हो सकता है। जैसा कि अगर माँ बाप या पेरेंट्स की हाइट कम होती है तो उनके बच्चों की भी हाइट कम हो सकती है। इसके अलावा न्यूट्रिशन वैल्यू वाला फूड या भोजन ना मिलना, जिसमें प्रॉपर विटामिन मिनरल्स और प्रोटीन्स ना हो, इन सभी कारणों से पुरुषों और महिलाओं की हाइट में ग्रोथ नहीं हो पाती, जिससे उनका लुक अच्छा नहीं हो पाता, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी भी हो जाती है। दोस्तों, बात करते हैं मार्केट में हाइट बढ़ाने के लिए कई सारे कैप्सूल, टॉनिक और मेडिसिन अवेलेबल है। इसमें से ज़्यादातर बस हाइट बढ़ाने के दावे ही करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इनमें इफेक्टिव है या नहीं, इस बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करना चाहते हैं उसका नाम है बेस्ट चॉइस न्यूट्रिशन हाइट स्पीड एडवांस हाई लुक हाइट गेनर कैप्सूल। करने का मेन रीजन ये है, मैंने इसका खुद यूज किया हुआ है। इसके अलावा ये बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है ऑनलाइन। इसके अलावा थर्ड पार्टी टेस्टेड है ये। इसके अलावा ये आयुर्वेदिक मेडिसिन हर्ब से बनी हुई है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, विद ग्रीन डॉट अवेलेबल है ये। और इसके अलावा दोस्तों, इसके कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से हमारी बात हुई, उनके अकॉर्डिंग ये 26 साल के बाद इसको नहीं ले लेना ही प्रेफर करना चाहिए। 26 साल के बाद ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। और इसके अलावा के 3 से 6 महीने तक ही इसको लेना चाहिए, जिससे इस बीच इसका इफेक्ट देखने को मिल जाता है। उसके बाद इसको अगर कोई इफेक्ट नहीं आए हाइट के ऊपर तो इसको छोड़ देना चाहिए। इन्हीं सभी रीजन की वजह से इसको चूज किया गया है। अब बात करते हैं इंग्रीडियंट्स की, इसमें क्या होता है। दोस्तों, इसके अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें अश्वगंधा होता है जो काफ़ी पावरफुल आयुर्वेदिक मेडिसिन है। ये सहन शक्ति और याददाश्त भी बढ़ाता है, साथ में मसल्स की साइज को बढ़ाता है और हड्डियों के घनत्व को बढ़ाता है, जिससे हाइट भी बढ़ती है। इसमें आंवला की आंवला होता है जो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट तनाव और सूजन को कम करते हैं दोस्तों। इसके अलावा इसमें शिलाजीत होता है। शिलाजीत के कई सारे इफेक्ट हैं, आपको बेसिकली वैसे ही पता है। ये शरीर की ताकत और लचीलेपन को बढ़ाता है। ये बीपी भी कंट्रोल करता है, ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है। इसके अलावा इसमें गुड़ीची होता है जो इम्यून पावर को बढ़ाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला होता है। इसके अलावा इसके अंदर स्ट्रेस, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एलर्जी गुण होते हैं। इसके अलावा इस जीएसटी मधु ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी के साथ बढ़ती ऊंचाई के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा ये लोअर इन्फेक्शन और तनाव को भी कम करता है जो कि ग्रोथ में बाधा डालते हैं। इसके अलावा इसमें प्रवाल पृष्ठी होता है जो कि कैल्शियम की कमी से जो हड्डियों को नुकसान पहुँचता है उनको कम करता है। इसमें और भी कई आयुर्वेदिक हर्ब्स होती है, जैसे कि तिरंग भस्म, कोखरू, कोकिल कसा, नाग केसरी, हलीम, तुलसी, अलोई वेरा एक्सेट्रा। इन सभी हर्ब्स को मिलाकर के, एक अप्रोप्रिएट डोज को मिलाकर के इन आयुर्वेदिक हर्ब्स की एक फॉर्मूला तैयार किया गया है। तो अब बात करते हैं बेस्ट न्यूट्रिशन हाई स्पीड कैप्सूल कैसे काम करता है। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले बात करी, ह्यूमन ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन निकलता है, ये कैप्सूल उसको उत्तेजित करता है, उसके सीक्रेशन को बढ़ाता है, जिससे कि बॉडी ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ये कैप्सूल ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, जिससे मसल और ग्लैंड को कंप्लीट पोषण मिलता है और स्केलेटन और हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। इन सभी को मिलाकर के शरीर की हाइट बढ़ती है। और भी सभी गुण हैं, जैसे कि स्वेलिंग कम करता है, स्ट्रेस, आजकल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होता है लोगों में, इस वजह से भी एक बॉडी पे काफ़ी इफेक्ट डालता है। इन सभी को दूर करके शरीर की हाइट को बढ़ाता है। अब सबसे मेन बात पे आते हैं कि ये किस एज तक काम करता है, कितनी इंच तक इसकी हाइट बढ़ सकती है। दोस्तों, कम से कम 1 से 3 इंच तक हाइट बढ़ सकती है। हालांकि ये बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सभी की बॉडी का रेशियो अलग होता है। और इसके अलावा इसको 3 से 6 महीने तक इसको ट्राई करना पड़ता है, और अगर 6 महीने के बाद भी अगर कोई इफेक्ट नहीं दे तो इसको बंद कर देना चाहिए। अगर इस मेडिसिन से हाइट नहीं बढ़ती, इसका मतलब किसी से हाइट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसमें कई सारी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज वाली मेडिसिन इंक्लूड करी गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं ये मेडिसिन कहाँ अवेलेबल है। सबसे पहले डायरेक्ट कंपनी से कॉन्टेक्ट करके मेडिसिन मंगा सकते हैं। इसके अलावा सभी ई कॉमर्स साइट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जैसे कि amazon.in, flipkart.com, muscleMD.com, snapdeal,
इसके अलावा मैं इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश का एक ब्लॉग है जिसमें कंप्लीट डिटेल है इस ब्रांड को लेकर के, उसका भी मैं इसका लिंक इस पर डाल दूंगा, जिससे आप किसी भी जगह पे जाकर के इसको परचेज भी कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक और शेयर करेगा। थैंक यू वेरी मच।